नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी, स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 8 मई 2024 की। जितनी भी अपडेट है शिक्षा संबंधित एक एक करके सभी की बात करेंगे। सबसे पहली अपडेट है, चुनाव बाद शिक्षक भर्ती का आज तैयार होगा खाका। प्रयागराज से न्यूज है जिसमें बताया गया है कि लोकसभा चुनाव के बाद शिक्षक भर्ती शीघ्र शुरू करने के उद्देश्य से बुधवार को नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक होगी। आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष और प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल के नेतृत्व में होने वाली जो बैठक है उसमें आयोग से जुड़े जो कार्य हैं उनमें तेजी लाने पर भी मंथन जो है वो होगा। बैठक में आयोग के सभी अफसर और 12 सदस्य मौजूद रहेंगे। आयोग के नवनियुक्त कार्यवाहक सचिव और उच्च शिक्षा के जो विशेष सचिव हैं उन्होंने मंगलवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो सचिव रत्न प्रिया है और उप सचिव डॉक्टर शिवजी मालवी के साथ बैठक करके बुधवार को प्रस्तावित बैठक के लिए एजेंडा जो है वो बेसिकली तैयार किया है। बैठक का जो मुख्य मुद्दा है यहाँ ये होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में TGT PGT के 4,163 पदों और अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,017 पदों पर जो भी लंबित भर्ती प्रक्रिया है वो कैसे जल्दी से शुरू हो और दोनों भर्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया को 2 साल ऑलरेडी कम्प्लीट हो चुके हैं। इसके साथ ही नए आयोग में पद सृजन करते हुए चयन बोर्ड और उच्चतर आयोग के अधिकारी और कर्मचारियों को समायोजित करने, सदस्यों और नए कर्मचारियों की वेतन की व्यवस्था, ये सारी चीजें बात भी की गई हैं। साथ ही इसमें जितने भी लंबित भर्तियां हैं उसको लेकर के भी बात की गई है। जूनियर ग्रेड की 1894 पदों की शिक्षक भर्ती चुनाव के बाद पूरी होने की उम्मीद है। प्रयागराज से न्यूज है जिसमें बताया गया है कि जूनियर एडेड की 1894 पदों की अटकी जो शिक्षक भर्ती है वो चुनाव बाद पूरी किए जाने की मांग फिर से शुरू हुई है। इसके लिए जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती संघर्ष समिति के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने लखनऊ में अधिकारियों से मुलाकात की। संशोधित परिणाम घोषित किए जाने के बावजूद 1.5 वर्ष से ज्यादा समय ये भर्ती जो है वो अभी तक अटकी हुई। बाद में ये भी पूर्ण करने का आश्वासन बाद में अधिकारियों ने दिया। अधिकारियों ने ये कहा है कि आश्वासन पूरा नहीं किया गया तो सफल जो 43,000 से ज्यादा अभ्यर्थी हैं वो धरना वगैरह देंगे, उसकी बात यहाँ पर भी की गई है। अगली अपडेट की बात करते हैं, 12,000 अभ्यर्थी नहीं बनेंगे शिक्षक, शीर्ष अदालत ने खारिज की अर्जी, विवाद खत्म। यहाँ पर प्रसिद्धि प्राथमिक जो स्कूल है उनमें 2011 में शुरू हुई थी 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के अंतर्गत 12,091 जो चयनित है उनकी सूची को लेकर के 7 साल से अधिक समय से चला आ रहा था विवाद था, अब पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। इस सूची में शामिल अभ्यर्थियों की नियुक्ति देने संबंधी जो SLP है वो सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी है, वही यहाँ पर बताया गया है। क्या है चयनित की सूची वो भी यहाँ बताया गया है। इसी के अंतर्गत और अपडेट देखेंगे तो बंगाल शिक्षक भर्ती रद्द करने के फैसले पर स्टे लगा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया है। इसमें राज्य के सरकारी और गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करार कर दिया गया था। हालांकि जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी जो पीठ है उसने CBI के जांच जारी रखने और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी जांच करने की अनुमति दी है। पीठ ने CBI से कहा कि वो जांच के दौरान किसी संदिग्ध को गिरफ्तार करने में जल्दबाजी जो है वो ना करे। अगले अपडेट है, 12,000 अभ्यर्थी नहीं बनेंगे शिक्षक, जो कि अपने ऊपर आपको बताया भी। अगली अपडेट है, PCR में खुलेगा RO परीक्षा पेपर लीक का जो राज। यहाँ पर STF की जांच को लेकर के जो है वो बात जो है वो की जा रही है, जो लोगों को रिमांड में लिया गया है उनसे बड़े खुलासे निकल करके आएंगे। अगली अपडेट है, BEd इस बार घट गए 2.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी। इसमें बताया गया है कि इस बार 2.21 लाख छात्र छात्राओं ने ही आवेदन करने के बाद फीस जमा की है, पिछले साल के मुकाबले 2.5 लाख से अधिक अभ्यर्थी जो इस बार घट गए। अगले अपडेट, नेशनल में UPSC बैंकिंग SSC की निःशुल्क तैयारी आपको देखने को मिलेगी। नेशनल PG कॉलेज लखनऊ की बात यहाँ पर की गई। और लास्ट अपडेट देखते हैं, इसके अलावा वीडियो लाइक भी शेयर भी करते रहिएगा, कि सभी को मिलेगी नौकरी, पेंशन वाली स्थायी नौकरी, ऐसा राहुल गांधी जो है उनके बयान में देखने को मिला। मंगलवार को जो है वो झारखंड के अंतर्गत जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे, वहां पर इनके द्वारा ये कहा गया। यही था हमारे सोरल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।